आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली रेसिपी। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। आप इसको चपाती रोटी के साथ, फ्राइड राइस के साथ या फिर बटर नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े लगता है खाने में। ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसको हमने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया। आप चाहें तो जिस तरह से जिस आकार का इसको करना चाहें आप इसको काट सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। नमक आप हमें स्वाद अनुसार डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें। और यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे पनीर में नमक वगैरह अंदर तक के चला जाए। अब इसी तरह से 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। हमारे पनीर को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसको बटर या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपने पनीर को डाल देंगे। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें इसमें एक एक करके पनीर को डाल देना है इस तरह से। और पनीर को हमें उलट पलट करते हुए अच्छे से इसको हर तरफ से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं हमारा पनीर जो है फिर कड़े हो जाते हैं। इसी तरह से आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इधर हमने पनीर को उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे पनीर में बहुत अच्छे से कलर आ गया। अब इसके अंदर हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल के इसको हम साइड रख देंगे। आप इसको इसी तरह से पैन में मत छोड़िएगा, नहीं हमारे पनीर जो है वो टाइट हो जाएंगे। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें हमने 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल दिया है। आपको जो तेल में बनाना है या बटर या घी में आप जिसमें भी बनाना चाहें आप उसको डाल सकती हैं। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। डाल के हमें सभी मसाले को तेल में अच्छे से पका लेना है, इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी है, जिसको हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। चाहे तो चॉपर में डाल के भी काट सकती हैं। इसी तरह से चॉप करके इसको हम चलाते हुए अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इस तरह से कलर बदलने नहीं लगता, प्याज हमारी अच्छे से चॉप नहीं आती। तब तक हम फ्लेम हाई करके इसको अच्छे से पका लेंगे। इधर हमने प्याज को चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके साथ इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल के हमें भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं होता तब तक हम इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे प्याज वगैरह जले ना और हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए और अच्छे से भून जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इधर हमने अदरक लहसुन को भी चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया और बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे हमारा जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है खाने में और ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम पीली वाली लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे जो है हमारा बहुत ही तीखापन होता है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। आप चाहें तो जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसको डाल दीजिएगा। और नमक हम अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे हमने जो है पनीर में भी नमक डाल रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो कर रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। सभी मसाले वगैरह हमारे बहुत अच्छे से भून जाए। इधर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे सभी मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिनमें उसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया था। अब टमाटर को डाल लीजिएगा, जितना अच्छा टमाटर का कलर रहेगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी का भी कलर आएगा। फ्लेम को हमने अभी भी मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अब फ्लेम को चलाते हुए जो है फ्लेम को लो रखिएगा और मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा। आप चाहें तो इसको लीड लगा कर भी पका सकती हैं। अब चाहें तो इसको इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए। इधर हमने टमाटर को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे इसमें दही डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून हमें इसमें दही डाल देनी है। दही आप मीडियम लीजिएगा, ना बहुत ही खट्टी वाली लीजिएगा ना ही ज़्यादा बहुत मीठी लीजिएगा। बस जो नॉर्मल दही होती है जो घर में आप यूज़ करते हैं वही दही
ले लीजिएगा। डाल के हमें फ्लेम को यहाँ पे हमने एकदम लो कर दिया, लो फ्लेम पे हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम पे डालेंगे तो हमारी दही जो है वो फट जाएगी। इसी तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करके इसको हम अच्छे से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। अगर हमने दही को भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने तेल छोड़ लिया, एकदम हमारा मसाला एकदम पक के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम एक कप पानी डाल देंगे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, बस यहाँ पे हम एक कप पानी डाल देंगे। डाल के हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही रहती है तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको चौपाती रोटी के साथ या फिर बटर नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी एकदम बन के तैयार हो चुकी है। अभी हमने अपने पनीर को फ्राई करके रखा था, हमें उसको इस स्टेज में डाल देना है। इस तरह से डाल देंगे। डाल के हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लीड लगा के जो है 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि अच्छे से हमारा पनीर वगैरह सॉफ्ट हो जाए और इसके मसाले वगैरह इसके अंदर तक के चले जाएँ। 3 से 4 मिनट हो गए हमारे पनीर को पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा पनीर पक चुका है, बहुत ही अच्छे से एकदम ठीक हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया, जिसको हमने अच्छे से रोस्ट करके हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए हमें इसको डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से कसूरी मेथी हमारी ग्रेवी वगैरह में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम लीड लगा के 1 से 2 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। फिर इसके बाद हमारा पनीर एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। 2 मिनट हो गए हमारी पनीर को पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा पनीर एकदम तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने पनीर को सर्व कर लेंगे। इधर हमारा ढाबा स्टाइल पनीर मसाला एकदम तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व करें। आप इसे चपाती रोटी के साथ, बटर नान के साथ या फिर आप इसको फ्राई राइस के साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही मज़े के लगता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।